टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट विथ कंसेप्ट ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस सो पहले हम लोगों ने क्या पढ़े थे थेरीज पढ़ी थी तीनों साइंटिस्ट के सारे थेरीज पढ़ लिए अब उन सब थेरीज को ध्यान में रखते हुए हम एसिड बेस को और कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं उन्हें और गहराइयों में डिस्टिंग डिस्टिंगशन कैसे हो सकता है वो देखेंगे अकॉर्डिंग टू लुइस एसिड बेस थेरी एसिड आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर वाइल बेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ठीक है आर जी पर्सन इन नाइनटीन सिक्सटी थ्री इन्हों ने नाइनटीन सिक्सटी थ्री में एसिड्स और बेसिस को और क्लासीफाई किया इन टू हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस तो पहले हम देखेंगे कि हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स में से हार्ड एसिड्स क्या होते हैं और हार्ड बेसिस क्या होते हैं सो हार्ड एसिड्स दैट हैव हैंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स लुइस ने क्या कहा था ल्यूस ने कहा था कि जो एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को जब एक्सेप्ट करते जो चीज़ उसे एसिड कहते हैं इसीलिए यहाँ पर लिखा है जो हार्ड होते हैं जो हार्ड एसिड है उनके टेंडेंसी स्ट्रॉन्ग रहती है उनको एक्सेप्ट करने की बहुत मजबूती से वो आ, मतलब बहुत स्ट्रांगली फर्मली एक्सेप्ट करते वही सॉफ़्ट एसिड कैसे रहते हैं वीक टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं विक टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन तो वो इलेक्ट्रॉन्स को जब खुद लेते हैं उनकी टेंडेंसी होती है वीक हार्ट की स्ट्रांग होती है वीक और सॉफ्ट की वीक होती है नाम से ही कोरिलेट कर सकते इट्स वेरी ईजी स्मॉलर द साइज हायर द अट्रैक्शन जितना एटॉम की जो साइज़ है वो जितनी छोटी होंगी उतना ज़्यादा अट्रैक्शन उनमें होगा जितना ज़्यादा अट्रैक्शन उतना उतने ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा अट्रैक्शन है वो और फिर ये टेंडेंसी पर अफेक्ट करेगा अगर इसका डिस्टेंस बढ़ता है इसका डिस्टेंस बढ़ता है तो ये लूज़ करेगा ज़्यादातर ये एक्सेप्टेंस से ज़्यादा लूज़ करने लगेगा अपनी चीज़ें और इसका साइज़ अगर स्मॉल है तो ज़्यादा एक्सेप्ट कर पाएगा और खींचेगा मतलब उसके अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होंगी ठीक है तो अगर समझो हम लोगों ने टीचर्स की बात कर ली है हमारे जो टीचर्स होते हैं हम उनमें अक्सर जब स्टूडेंट के फेस में होते हैं हम लोग एज ए स्टूडेंट हम टीचर्स को हमेशा हमेशा मतलब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम लोगों ने उनको कंपेयर नहीं किया हुआ है कहते हैं ना हमारी टीचर है कोई टीचर बहुत अच्छी है सॉफ्ट स्पोकन है और कोई टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है हार्श है या फिर आपको लेके चिंता होती है इसलिए वो स्ट्रिक्ट रहते हैं दैट तो यहाँ को रिलेट करने का मतलब यही है टीचर मतलब एक ही चीज़ है ना टीचर में से फिर हम लोग डिस्टिंगशन करते ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे है ऐसे वैसे ही एसिड में ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ऐसा डिस्टिंग्विश किया गया तो अभी ये सॉफ्ट और हार्ड होने के पीछे इसके साइलेंट फीचर्स देख लेंगे कि ये हार्ड एसिड क्यों है दे हैव स्मॉल साइज साइलेंट फीचर्स में दे हैव स्मॉल साइज़ अभी बताया था स्मॉल साइज है मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा खींचेगा अपने तरफ आ, सम, आ, इस, इसके एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देती हूँ लेकिन दो लोग हैं दो लोग हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है दो्हे शुल्हे बना के रखे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है ये तो ये स्ट्रॉन्ग है और ये दूसरा पर्सन है ये दूसरा पर्सन है ये स्ट्रांग नहीं है पर हेल्दी बहुत है बहुत ज़्यादा मोटा है और ये कैसा है पतला है पर स्ट्रांग है तो जो मोटा इंसान है का वो ज़्यादातर खींच एनर्जी नहीं लगा पाएगा पर पतला वाला जो है वो तो स्ट्रांग है भाई स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आसानी से खींच लेंगे इसमें इसमें फुर्ती ज़्यादा रहेंगी इसमें कम रहेंगी तो वैसे ही जो स्मॉल साइज एटम है, है वो अच्छे तरीके से खींच पाएंगे अट्रैक्शन ज़्यादा होगा जिसके वजह से ज़्यादा अट्रैक्शन ज़्यादा एक्सेप्टेंस देखो स्मॉल साइज हाई अट्रैक्शन और देर बी हाई एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस ज्यादा है मतलब वो के हार्ड एक्सेप्ट देव हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेट इज हाई दे हैव हाई पोलराइजेशन पोलराइजिंग पावर पोलराइजिंग पावर यानी क्या पोलराइजेशन मान्य क्या अभी ये बेसिक सा कंसेप्ट है पर बहुत से लोगों का मतलब मेरा खुद का ही नहीं था पहले तो तो ये जो है ना बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं इसलिए हम देखते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस फॉर्म प्रेजेंट इज ऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट पहले देखा था हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट का कि जहाँ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं नंबर प्रेजेंट करता है वो और जो बॉन्ड ब्रेकिंग कैपेसिटी है उसे हम पोलराइजेशन कहेंगे बॉन्ड ब्रेकिंग कैपेसिटी ना एच सी एल है इन दोनों का है बॉन्ड फिर आयोनाइजेशन के थ्रू एच या हो गया आई सी एल या हो गया इसका मतलब क्या ये पोलराइज हो गए नॉर्थ पोल साउथ पोल तो जिंदगी में कभी तो भी तो सुना होगा तुमने तो है कि नहीं मतलब फिर ये गया ऊपर ये गए नीचे मतलब पोलराइज हो गए ना ये पोलराइज हो गए कि नहीं इनको पोलर कहते थे ना हम लोग जोग्राफी वगैरह में पढ़ेंगे तो उससे पोलराइजेशन कहते थे, थे तो यहाँ केमिस्ट्री में पोलराइजेशन में हम लोग देखते हैं किसी भी कंपाउंड को अगर हम लोग अलग करते हैं अगर करने की बारी आती है वो खुद ही करते हैं वैसे तो वो रिएक्शन में होता है तो जो ये जो अलग हो रहे हैं इनको बोलेंगे पोलराइजेशन और जितने ज़्यादा जल्दी वो पोलराइज हो रहे हैं उस मतलब उनकी पोलराइजेशन पावर उतनी होती है कितने ज़्यादा जल्दी जल्दी कितने ज़्यादा जल्दी वो पोलराइज हो रहे हैं कितना वक्त उन्हें लग रहा है उसको बोलेंगे पोलराइजेशन पावर तो पोलराइजेशन समझिए अभी यहाँ पर लिख लो आप आपको होना हो तो और यहाँ पर पोलराइजेशन पावर भी समझ गई तो हार्ड एसिड में क्या होता है कि हार्ड एसिड में एक तो साइज स्मॉल रहती है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा रहता है और पोलराइजेशन पावर भी ज़्यादा होती है ना दे आर हैविंग आउटर इलेक्ट्रॉन दैट आर नॉट इजीली डिस्टोर्ड और रिमूव्ड मैंने क्या कहा था कि यार स्मॉल साइज है स्मॉल साइज है मतलब क्या अट्रैक्शन ज़्यादा है अट्रैक्शन मतलब उसकी पकड़ बाद, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन हो अंदर वाला हो या बीच वाला हो कोई भी इलेक्ट्रॉन हो उस पर उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा अच्छी है जिसके वजह से उसका बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से निकालना मुश्किल है जी जिनका साइज जिन अटॉन का साइज छोटा होता है ना मतलब उनके न्यूक्लियस को उसके इलेक्ट्रॉन से बड़ा लगा हुआ है बहुत ही अत्यंत ज़्यादा लगाव है जिसकी वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ते ही नहीं कहीं जाने ही नहीं देते अपने पास पकड़ के रखते हैं तो हार्ट एसिड्स में वही होता है कि दे हैव दे आर हैविंग आउटर इलेक्ट्रॉन्स दैट आर नॉट ईजीली डिस्ट और रिमोट दे आर हैविंग हाई आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी हाई होती है अब आयोनाइजेशन एनर्जी का तो आप मैंने लास्ट लेक्चर uh, दिया था उसमें उसमें नोट्स भी दिए आप अभी एक बार ही पढ़ लेना ओके द फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड एंड आर स्ट्रिक्टली द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सेप्टर्स एटम्स ऑफ द एसिड द अल्कली एंड अल्फलाइन अर्थ मेटल आयंस लाइटर और मोर हाईली हाईली चार्ज ट्रांजिशन मेटल आयंस लाइक ये जो है मैं देखो ये जो है ये हार्ड एसिड कहलाता तो है लर्न कर लो बहुत काम की चीज़ है तुमको मतलब उन पेपर में ना एग्ज़ाम्पल ज़्यादातर काम आते हैं लाइक वो जो तुम्हारा इन्विजिलेटर चेक करने वाला होता है ना वो भाई पहले अगर एग्ज़ाम्पल दिख जाए ना बड़ा इंप्रेस हो जाता है कि भाई हाँ पढ़ लिया है कुछ तो आता है कुछ तो समझता है डायग्राम्स हो अभी देखो थ्योरी थ्योरी का तुम्हारा हो जूलॉजी बॉटनी हो बायोलॉजी के जितने भी पेपर्स होते हैं एक्सेप्ट मतलब केमिस्ट्री फिज़िक्स वगैरह छोटे जो डायग्राम्स तुमको लगते हैं ना बिंदा स्ट्रॉकल क्योंकि उससे ही तुम्हारा नॉलेज कितना है वो समझते हैं और केमिस्ट्री में तुम्हारे एग्ज़ाम्पल्स डेफिनेशन एग्जाम्पल जो कुछ भी है केमिस्ट्री में ज़्यादा देखो ज़्यादा आई कैचिंग लगता है एग्जाम्पल अगर लिखे दिखे होंगे तो अभी हम लोग देखेंगे सॉफ्ट एसिड क्या रहता है सॉफ्ट एसिड में देखेंगे सॉफ्ट एसिड में हम लोगों ने देख लिया अब उनके ना हम लोग साइलेंट फीचर्स देखते हैं साइलेंट फीचर्स अभी देखो स्ट्रॉन्ग एसिड के जो साइलेंट फीचर्स थे उनके ही अपोजिट सॉफ्ट एसिड के फीचर्स होंगे तो ये लाइक कहाँ क्या दे हैव लार्ज साइज दे हैव लो और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट दे हैव लो पोलराइजेशन एनर्जी देव दे आर हैविंग आउटर इलेक्ट्रॉन देट आर इजीली डॉलर डिस्टोर्टेड और पोलराइज बहुत जल्दी अपना आउटर इलेक्ट्रॉन दे देते हैं दे आर दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी पोटेंशियल और ये है उसके एग्जाम्पल तो अभी बट अभी हम लोगों ने एसिड के बारे में पढ़ा अभी हम लोग पढ़ेंगे बेसिस के बारे में हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस कैसे होते हैं तो हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस में यहाँ देखेंगे हम लोग कि हार्ड बेसिस देर हैव लेस टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड सॉफ्ट बेसिस मोर टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स हार्ड देखो बेस बेस के आप बताया था कि अपना जो इलेक्ट्रॉन है बहुत ही ज़्यादा दयालु और मतलब तो ऐसे मतलब बहुत ही ज़्यादा तो उसको समाज कार्य करने का बड़ा शौक होता है बेसिस को क्योंकि वो लोग जो मांगा उसको बेचारे को अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं दे देते मतलब डोनेट कर देते वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे किस्म के होते हैं ये बेसिस तो हार्ड बेसिस मतलब क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम टेंडेंसी से बहुत मतलब बहुत ही जल्दी दे देता है और सॉफ्ट बेसिस क्या मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा कंजूसी करता है वो थोड़ा देर के बाद थोड़ा वक्त के बाद या फिर कहीं कहीं अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ठीक है प्रॉपर्टी देखो तुम तुम्हारी जो एसिड और बेस की मेन प्रॉपर्टी है ना उसको कंपेयर करो अगर वो प्रॉपर्टी से थोड़ा नीचे मतलब वो सॉफ्ट है हार्ड है मतलब वो प्रॉपर्टी मतलब को मैच करता है ठीक है अभी ये, ये जो सॉफ्ट और हार्ड बेसिस है तो हार्ड बेसिस मतलब हार्ड टू ऑक्सीडाइज दे द रीज़न इज इलेक्ट्रॉन ईजिली नहीं देगा हार्ड टू ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडेशन उसका बहुत बहुत तकलीफदायक है क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन जल ईजिली नहीं देगा डोंट हैव एम्प्टी लो एनर्जी ऑर्बिटल्स, दे आर इलेक्ट्रोनिगेटिव, निगेटिव देर मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव उसके ज़्यादा होती है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ द प्रोटोन उनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है प्रोटोन के साथ एक बार टेस्ट बुक से पढ़ लेते होंगे तो आपको थोड़ा ईजी जाएंगे देखो जब भी कुछ पढ़ते हो ना तो थोड़ा रनिंग नोट्स निकाल लिया करो अपने लैंग्वेज में या फिर मैं जो देती हूँ वो लिख लिया करो इट विल बी द तो इजिएस्ट वे फॉर द योर रिविजन और जो तुम्हारे एग्जाम के पहले जो दिन होते हैं ना एक दो तो दिन जहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि भाई क्या करें ऐसी कौन सी चीज़ कर ले जिससे बस एग्जाम में तो बस पास हो जाना है नहीं तो अच्छे मार्क्स ला लेने तो ये नोट्स तुम्हारे काम आएंगे कोई टेस्ट बुक काम नहीं आने वाली है टेस्टबुक को देखे सिर्फ टेंशन आने वाला है तो साइलेंट फीचर ऑफ़ हार्ट बेसिस द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द हार्ट बेसिस कैन नॉट बी इजीली डोनेटेड हार्ट बेसिस आर हार्ड टू ऑक्सीडाइज दे डू नॉट हैव एम्प्टी टी लो एनर्जी ऑर्बिटल दे कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ प्रोटोन ये यह रहे उसके एग्जाम्पल वही रहा सॉफ्ट बेसिस में द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सॉफ्ट बेसिस कैन बी ईजीली डोनेटेड सॉफ्ट बेसिस आर ईजी टू ऑक्सीडाइज दे हैव एम्टी लो एनर्जी ऑर्बिटर्स दे कैन फॉर्म विग बॉन्ड्स विथ प्रोटोन और ये उसके एग्जाम्पल्स बहुत छोटा कंसेप्ट है एक बार ही एग्जाम्पल्स लन कर लेना